सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि कल के लिए मेरे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, यहाँ से आगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का नेक्स्ट मोमेंटम क्या रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर कौन सा ट्रेड बन सकता है, अभी यहाँ से रिकवरी होगी या फिर और ज्यादा करेक्शन होगा, इन सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, आने वाले वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज है जिसके ऊपर हमारा मार्केट रिएक्शन दे सकता है, इन सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगी इस चैनल के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए रेगुलर एनालिसिस वीडियोस आपको मिलते हैं, ऑप्शंस बायर के रिगार्डिंग, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट, स्टॉक्स के ऊपर सारी अपडेट, फिन निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर सारी रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। ये चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर लाइव मार्केट में आपको बहुत सारी अपडेट्स, लेवल्स, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ट्रेड मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको शेयर मार्केट के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज है जिससे आपका फायदा हो सके, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी 50 के एनालिसिस के साथ। तो निफ्टी ने जो है वो हमें एक वीकली स्केल पे एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई है और एक लॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई है जो कि एंगल्फ कर रही है प्रीवियस वीक के कैंडल को, और यहाँ पर क्लोज्ड जो है वो हमें प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर मिला है। तो ये जो पैटर्न है ये तो फिलहाल इंडिकेट कर रहा है एक पॉजिटिवनेस निफ्टी 50 के अंदर। और बेसिकली हमने भी देखा है कि कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से निफ्टी काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है और अच्छी खासी रैली भी दिखा रहा है। अभी देखें प्रीवियस वीक की बात करें, प्रीवियस सेशन की बात करें, तो निफ्टी ने जो है वो 24,200 को क्रॉस किया था एंड इट वुड विटनेस बाइंग। अगर यहाँ पर 24,200 के ऊपर बाइंग और ज्यादा होती है तो 24,500 और 600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर यहाँ पर निफ्टी ने 200 के ऊपर जाके एक यू टर्न लेता हुआ हमें दिखाई दिया है, 24,050 के पास आकर यहाँ पर हमें उससे नीचे की क्लोजिंग मिली है। अभी यहाँ पर क्या करें, तो निफ्टी के लिए देखिए 24,000 एंड 23,800 ये एक पॉजिटिव जोन है, और अगर निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 23,900 लेवल से नीचे फिसल जाता है तो यहां से एक और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के अंदर, जो कि निफ्टी को 23,800 और 23,600 के तरफ लेके जाती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर पैटर्न देखें तो एक अच्छी खासी अपसाइड के रैली के बाद एक यूटर्न मिला है। अभी अगर निफ्टी 24,000 और 24,200 इस बीच में स्टक हो जाता है तो कंसोलिडेशन होगा, लेकिन अगर एक और सेलिंग प्रेशर विटनेस हो जाता है यहाँ पर इस लेवल तक 23,800-23,850 तक, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम ले सकते हैं अपसाइड के लिए। यहाँ से फिर से हमें 24,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी निफ्टी 50 के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी क्या करें, देखिए रिस्की प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर 24,000 के पास अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 24,000 के पास अगर आप बाइंग लेते हैं अपसाइड के लिए 24,200 और 24,400 ये आपके टारगेट्स रहेंगे। सेफ ट्रेडर्स 23,800-23,850 का वेट करना है।
जो भी लॉन्ग साइड के लिए पोजीशंस बनाना चाहते हैं, एक और सेलिंग प्रेशर आने दीजिएगा। यहां से आपको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी 24,200 और 24,600। अगर यहां तक सेलिंग होती है तो रिकवरी भी अच्छी होगी टुवर्ड्स 24,600। अगर मार्केट 24,000 से यूटर्न लेता है तो ज्यादा से ज्यादा 400 तक जाने के चांसेस। ये बात हो गई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कि जो भी लोग लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाना चाहते हैं उनके लिए अभी इंट्राडे पे क्या करें ऑप्शंस के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीक बजट की डेट अनाउंसमेंट है। यहां पर यूएस मार्केट जो है वो वेनसडे को 2 घंटे के लिए खुलेगा, थर्सडे को ऑफ है, तो ये 2 दिन तो छोड़ दीजिए। अभी बचे 2 दिन सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिन में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। विक्स भी शूट आउट होता हुआ दिखाई देगा जो कि हमें एक अपसाइड या फिर निगेटिव साइड के लिए एक तेज मोमेंटम आता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली नेक्स्ट वीक के अंदर हमें मंडे या फिर ट्यूजडे एक अच्छी खासी रैली अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगी। अभी कौन से ज्यादा चांसेस है इसके ऊपर बात करें तो अगर मैं इंडिकेटर्स के ऊपर देखूं, MSCD देखूं, RSI देखूं, तो यहाँ पर सारे के सारे इंडिकेटर्स फिलहाल ओवरबॉट जोन में हैं। हमारा मार्केट जो है निफ्टी बैंक निफ्टी वो फिलहाल ओवरबॉट जोन में है और हमें यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो प्रॉफिट है लॉन्ग साइड के लिए जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है वो अभी रेजिस्टेंस के पास धीरे धीरे करके बुक करने का चाहिए कर लेना चाहिए क्योंकि यहां से एक करेक्शन आता हुआ मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली दिखाई दे रहा है और ये करेक्शन हेल्दी भी रहेगा। अगर ये करेक्शन नहीं होता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में स्टक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी जो है वो 24,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से एक थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा लेकिन ज्यादा नहीं। अभी फिलहाल 24,010 के पास क्लोजिंग मिली है। एक रिस्की ट्रेड यहाँ पर बन सकता है इंट्राडे के लिए अगर 9:10 और 9:30 के पास निफ्टी मिलता है तो अपसाइड के लिए 24,080 एंड 24,100 इन टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। सी साइड में आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। पी साइड में क्या करें तो देखिए अगर अपसाइड के लिए ओपनिंग के बाद निफ्टी भागता है अराउंड 24,100 और 200 तो इस रेंज में एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा जो कि निफ्टी को 24,000 एंड 23,900 के तरफ ड्रैग करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर इंट्राडे में आप पी बाय कर सकते हैं इन लेवल्स के पास। जो लेवल्स दिए हैं उन्हीं लेवल्स पे ट्रेडिंग करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर डेफिनेटली बुक होगा ही होगा, ये गारंटी है। और बाकी अपना एनालिसिस आप खुद भी करो ताकि आपको भी पता चले कि कैसे काम होता है। फिलहाल अभी अगर देखें तो निफ्टी 50 के लिए हमें डाउन साइड के लिए 23,600 और 800 तक का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और इसके लिए हमें फिलहाल तैयार रहना होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि अभी जो भी लॉन्ग साइड के पोजीशंस में एग्जिट नहीं किया है वो अभी करना स्टार्ट कर दो, फिर से एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंटर करने के लिए जिससे आपको फिर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो इसमें बुक करता हुआ देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 के लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। अभी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए सपोर्ट जो है वो फर्स्ट यहाँ पर 23,930 का है, सेकेंड 23,850 और 800 का है। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस 24,100, 24,220 एंड 24,300, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। जो भी चीजें बताई हैं सपोर्ट के ऊपर करनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉफिट बुक करना है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप फॉलो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होगा। तो अभी निफ्टी 50 के लिए जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लेना, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। बैंक निफ्टी ने 53,000 का लेवल टच करने के बाद
हमें एक तेज फॉल दो सेशन से दिखाया है। अब देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहां से करेक्ट हुआ है यहां तक 52,200, और अभी ये करेक्शन कहां तक जाने के चांसेस है, अराउंड 51,800 एंड 52,000, और ये करेक्शन होना भी चाहिए। अगर ये करेक्शन नहीं होता है, ये सेलिंग नहीं होता है, अब तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो हमें स्टक होता हुआ इस रेंज में दिखाई देगा, 500 या फिर 400 पॉइंट्स के रेंज में। अभी यहाँ से बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट है, और यहाँ पर ओवरबॉट होने के वजह से हमें एक करेक्शन और डाउन मूव नेक्स्ट वीक के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ से ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन नहीं कह सकते, ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि एक हाई लगा चुका है बैंक निफ्टी। पहले भी हमने देखा है थोड़ा स्लो था निफ्टी से, काफी ज्यादा स्लो था, और अभी ये हाई लगाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है, और ये प्रॉफिट बुकिंग और यहां तक जाने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। यहां तक जाने के बाद जाकर जो हमें एक रिवर्सल रैली देखने को मिलेगी, वो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अपसाइड के लिए फिलहाल अगर रेजिस्टेंस देखूं तो अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस 52,800 है, 53,000 है और 53,100 है, ये अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस है। तो अभी यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए एक करेक्शन का, 52,000 और 51,000 यहाँ से नीचे निफ्टी जाने के चांसेस है। तो आप एक सेफ साइड के लिए 51,800 या फिर 51,500 यहाँ से एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, फिर आपको अपसाइड के लिए 53,000 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लोग जो है वो अभी सोच रहे हैं इतना करेक्शन मिला है तो अभी एंटर कर लेते हैं, नहीं मार्केट यहाँ से और नीचे जाने के चांसेस पूरे बने हुए हैं, हमें उसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और उन्हीं लेवल्स के पास ही ट्रेडिंग करनी है। फिलहाल यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी इंट्राडे में भी अप्लाई होगी। सो बैंक निफ्टी ब्रेकिंग इट्स नियर टर्म सपोर्ट ऑन फ्राइडे, सो यहां से और ज्यादा करेक्टेड हो सकता है निफ्टी बैंक अराउंड 51,800 एंड 51,500। आरएसआई भी देखे तो आरएसआई टू टर्न निगेटिव एंड मूव्ड बिलो देयर 9 days एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सो ऑल इंडिकेटर्स ऑल्सो यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं निगेटिव साइड फॉर बैंक निफ्टी। तो कोई भी लॉन्ग साइड के लिए अभी नहीं जाएगा, इंट्राडे में भी अगर एक अपसाइड की रैली होती है तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी, तो हमें वही करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये स्ट्रैटेजी अच्छी खासी आपको प्रॉफिट मिलाकर देगी। सो आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आ चुकी है। निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो बताए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, वही फॉलो करने हैं। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।